सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड, और ये पहला वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि आज ये लगभग 3 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूं मैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि 6 बजे तक आज जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में हैं मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट, वो सारे मैं आप लोगों तक साझा कर दूंगा। और दिनों की तरह देर रात तक का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, तो आप लोग उसी हिसाब से वीडियोस देखते रहें। और उम्मीद करता हूं कि पहला पेपर आपका अच्छा हुआ होगा और दूसरे में भी आपको हेल्प मिलेगी। शुरू करता हूं मैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन का है एक प्रकार से, जहाँ भारत का क्या महत्व है, भारत का लोकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, यानी भारत की जो दक्षिण एशिया में जो स्थिति है या भारत की स्थिति का दक्षिण एशिया में या एशिया में क्या महत्व है, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो इसको लेकर के, और विविधता में भारत जो है किस प्रकार से एक है, तो इसको लेकर के कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग, एक क्वेश्चन कई बार ये आता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं और उन सबका आंसर यही होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब एक तो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, एशिया में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, या भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब एक ही है और वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हो तो भारत की स्थिति है कैसी, देखिए यदि आप इतिहास की बात करोगे तो भारत को शुरू में देखिए भारत ही था, भारत इंडिया बना अंग्रेज़ों के आने के बाद, और इंडस से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें चलती रही। भारत की अपनी खास बात यह है कि देखो, हिंद महासागर में लोकेशन है, और किसी टाइम पर इसको आर्यावर्त बोलते थे, आर्यावर्त बोलते थे, और जब इसको आर्यावर्त कहा जाता था और बौद्ध काल में इसको जम्बूद्वीप कहा जाता था, तो तब से ही, मतलब मैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, तब से ही आप एक चीज़ जो नोटिस करोगे ना, वो ये करोगे कि भारत की जो लोकेशन थी वो पूरा अफगानिस्तान, ईरान, दजला, फरात, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का उदय, तो ये सारी चीज़ें भारत में हुई। वर्तमान में पाकिस्तान और इससे पूर्व में बांग्लादेश, ये सब भारत का हिस्सा रहे थे। तो ये एक उपमहाद्वीप की स्थिति अपने आकार के कारण, उपमहाद्वीप क्यों कहते थे, क्योंकि आकार विशाल था, स्थिति ऐसी थी और विस्तार बहुत ज़्यादा था, विविधता बहुत ज़्यादा थी, और इन सब के कारण भारत को क्या कहा जाता था, विविधता में एकता का देश और उपमहाद्वीप। अब ये विविधता में एकता को मैं लास्ट में शेयर करूँगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा शेप, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, यानी भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देखिए, एक तो भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है, इसको आप इस तरीके से ही देखेंगे। और एक और क्या बात, खास बात है, देखिए भारत का जो विस्तार है ना, वो यदि आप अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो 8° 4' से 37°, ये याद भी करना है आपको, 37°6' है, ये तो उत्तरी अक्षांश है, और देशांतर हमारे यहाँ पूर्वी है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप लोग उसी हिसाब से याद कर लेना। इसके अलावा जो देशांतरीय विस्तार है वो 68° 7' से लेकर के 97.25 एक्सेस होता है, 25, और ये ईस्टर्न है तो पूर्वी देशांतर है, तो ये विस्तार हो गया। क्षेत्रफल आप सबको पता होना चाहिए, कर्क रेखा जो है भारत को बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करती है, तो ये इसकी विशेषताएँ हो गई एक प्रकार से, भौतिक विशेषताएँ। क्षेत्रफल जो है भारत का 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, लाख वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, तो ये सब मेरे सामने बहुत से बच्चों को पता है भी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति 7th है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से अभी हाल ही में जो आंकड़े प्रसारित हुए हैं उसके हिसाब से इंडिया ने 1 पोजीशन प्राप्त कर ली है। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ हो गई।
अच्छा, अब बात को बात करें, यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं ना, इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट, यानी भारत उपमहाद्वीप के रूप में, या उपमहाद्वीप भारत को क्यों कहते हैं महाद्वीप के रूप में? ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आप देखोगे। देखिए, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, खासतौर पे जो यानी सब कॉन्टिनेंट, और ये वेस्टर्न जो थिंकर्स हुए हैं उन्होंने कहा है। देखिए, भारत में क्षेत्रफल विश्व का 2.40% ही है एरिया, लेकिन पॉपुलेशन जो है लगभग 17.4% है। तो लगभग हर जो 6 में से 1 आदमी है ना, वो भारत का है। और इसके अलावा भारत में जब यदि आप पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो हिमालयन रेंज है, जो अपने आप में बहुत विस्तृत है। यदि आप नदियों की बात करोगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये भारत का हिस्सा रही थी। यदि आप लोग बात करोगे सांस्कृतिक विविधता की, तो आप यहाँ पर देखोगे कि कल्चरल जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में अलग अलग जो ट्रेडिशंस हैं वो दिखाई देती हैं। तो भौतिक भौतिक यानी फिजिकल और मानवीय विशेषताएं अलग अलग हैं, सारी तरफ अलग अलग विशेष मानवीय और सांस्कृतिक जो विशेषताएं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीफाई होती है। और इसी कारण से जो अंग्रेज भूगोलवेत्ता है, खासतौर पे क्रेसी ने, मैं यहाँ पर नाम भी मेंशन करना चाहूँगा क्रेसी का, तो क्रेसी ने जो है भारत को क्या कहा, उपमहाद्वीप कहा। भारत में ढेर सारी जनजातियाँ हैं और दूसरी जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म हैं, रीति रिवाज हैं, तो ये सारी जो विविधताएँ, ये इतनी विविधताएँ भारत में पाई जाती हैं, जिससे कि भारत को क्या कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता का देश। अब कुछ पॉइंट्स आप इसके पक्ष में लिख सकते हो, जैसे विशाल क्षेत्रफल है जिसमें विविधताएं हैं, यानी भौतिक विविधता है। इसके अलावा आप देखोगे जातिगत विविधता है, इसके अलावा धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, रीति रिवाज अलग अलग है, वनस्पतियों की विविधता है, खनिज तत्वों की विविधता है, कृषि की विविधता, इन सब के बावजूद भी स्टिल यूनाइटेड एज ए इंडियन। और इसी कारण भारत जो है विविधता में एक है। मतलब जब बात आती है वी आर ए सॉवरेन कंट्री, संप्रभु राष्ट्र है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जब लिखोगे तो निश्चित तौर पर आपका जो उत्तर है वो बहुत प्रभावी बन जाएगा। और भारत की जो स्थिति है, इसकी एक भारत की लोकेशन का महत्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाती है। जब आप देखोगे भारत का मैप, आप बहुत, मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, एक मोटा सा एक आइडिया आपको देना चाहूँगा। जब आप इंडिया के मैप की बात करोगे तो ये जो लोकेशन इंडिया की बनती है, निकल करके आती है, ये मैं सिर्फ साउथ वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, हिंद महासागर, फिर इधर अरेबियन सी, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, तो तीन तरफ से भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है। अब इससे और नॉर्थ में जो है इंडिया हिमालय से घिरा हुआ है, तो स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक दृष्टि से भारत बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है। क्योंकि इधर से जो है सी रूट्स यानी समुद्री मार्ग है जहाँ से व्यापार किया जा सकता है, मानसून भारत को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है, तो ये कई चीज़ें हैं। इसके बाद जो कई देश जो इनमें द्वीपीय देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, ये ऐसे देश हैं जहाँ से भारत का व्यापार शुरू से ही होता रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, पढ़नी है। और फिर आप फिर जो है थोड़ा सा यदि आप इसमें देखोगे तो भारत का एकीकरण का जो दौर था वो 1953 में शुरू हुआ, बेसिकली 1947 में आज़ाद होने के बाद, और 1956 में जो है देश बिल्कुल अलग अलग राज्यों में विभक्त तो होकर के सामने आ गया। तो ये जो है राज्य की स्थिति अपने आप में, 1 नवंबर 1956 को भारत जो है एक अलग स्वरूप में आ गया, जहाँ राज्यों का पुनर्गठन हो चुका था। इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना, और मेरे सामने ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। और यदि आप लोग इस तरीके से इसके इंट्रोडक्शन को लिखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगले चैप्टर में मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।